उसका शरीर मुझे आकर्षित करता है। मैं जब भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करता हूँ, जहां पर वो मुझे दिख जाए, उसका शरीर मुझे दिख जाए, उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं, इमेजिनेशन में करने लग जाता हूँ और तुरंत मेरे लिंग में चिपचिपा पानी आने लगता है। उसके बाद मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता हूँ और वीर नाश कर बैठता हूँ, हस्त मैथुन कर बैठता हूँ। और ये काफी दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे काफी युवा भाइयों की ये परेशानी है दोस्तों। इसकी जो मेन जड़ है वो शारीरिक आकर्षण है। हालांकि इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। बाकी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस भी शरीर को आप देख रहे हो, इमेजिनेशन करते हो उसके बारे में, कल को वो आपको मिल जाए, आप उसको भोग लो, तो क्या आपको संतुष्टि मिल जाएगी? एक बार भोगोगे, दो बार भोगोगे, तीन बार भोगोगे, चार बार भोगोगे, फिर आप खुद उससे बोर हो जाओगे। जी हाँ, आपको लगेगा मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, फिर आपकी नजर में उस स्त्री की, उस लड़की की, उसके शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर अगर आपको कोई उससे बेहतर शरीर या स्त्री दिख जाएगी तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा। और आज के समय में ये काफी हो रहा है। तो ऐसे ही करके हमारी जिंदगी ना सत्यानाश हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारी जिंदगी का, और अंत में पता चलेगा पूरी जिंदगी झंड कर ली थी हमने, है कि नहीं मेरे भाइयों? तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि आखिर कब तक? मैं एक टिप अपने ऊपर फॉलो करता हूं हमेशा, मैं आपको भी वो बताना चाहूंगा, और आप सच्चाई के साथ इसे स्वीकार करना दोस्तों। भागना मत, भागोगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। इस शरीर से भागना नहीं है, ठीक है ना? जब भी कोई स्त्री आपको आकर्षित अपनी ओर करने की कोशिश करे, या आपको लगे कि ये मुझे आकर्षित कर रही है, तुरंत उसके पैरों की ओर, उसके चरणों की ओर देखो। हाँ, और उसको देखकर अपने मन में कहना है आपको कि ये मेरे लिए सम्मानीय है। कौन है? सम्मानीय है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि ये एक स्त्री है, और कहीं ना कहीं मेरा भी जन्म ऐसे ही एक शरीर से, ऐसी एक स्त्री से मेरा भी जन्म हुआ है। ये एक सच्चाई है दोस्तों। वीडियो बंद करके भाग मत जाना, बहुत से लोग भागते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है ना? हमारा जन्म भी, हर एक पुरुष जाति का जन्म भी एक स्त्री से ही हुआ है। हम जिस शरीर को देख रहे हैं, हमारा भी एक जन्म ऐसे ही एक शरीर से हुआ है दोस्तों, है कि नहीं? तो उसके चरणों की ओर देख के कि ये मेरे लिए सम्मानीय है क्योंकि एक स्त्री है, हमारी जननी है, तभी जाकर आप ब्रह्मचर्य में मेरे भाई सफल हो पाओगे। क्योंकि धीरे धीरे जब आप अपने नए नए अपने दिमाग को थॉट्स दोगे, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दोगे ना, तो अपने आप इन नेगेटिव थॉट्स से आप बाहर निकलते जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? तभी जाकर आपको जो है ब्रह्मचर्य में एक थोड़ी सी ना उड़ान भर पाओगे कि मैं कुछ कर पा रहा हूं अपने लाइफ में, ठीक है ना? जो भी स्त्री आपको आकर्षित करती है, उसके लिए आपको यही करना होगा दोस्तों, तभी कुछ हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ध्यान रखो, उसकी चरणों की ओर देखो, सम्मानीय है ये मेरे लिए। ये भी किसी की घर की बेटी है, बहू है कि नहीं, बहन है, उसको सम्मान दो। उसको उपयोग की वस्तु नहीं समझना है। स्त्री को कभी उपयोग की वस्तु ना समझें, ना दुश्मन समझें, क्योंकि हमारा जन्म भी स्त्री से हुआ है, हमेशा याद रखना। अपने दिमाग में उसको फिट कर लो, बार बार दोहराओ, समझ में आ रही है मेरे भाई? और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करो, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप कर पाओगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।